मैं सहरा बांध के आऊंगा, मेरा वादा है। वाकई जो वादा आज से 6 महीने पहले संजय ने शीतल से किया था, उसी वादे के साथ आज वो गांव में इस काफिले के साथ पहुंचे हैं। देखकर तो ये लगेगा कि कोई नेता का काफिला है, लाव लश्कर तो है ही, लेकिन पुलिस भी पीछे पीछे है, कहीं संजय को कोई हाथ ना लगा दे। इस विक्ट्री साइन के साथ ही संजय ने गांव में एंट्री की और शीतल को लेने पहुंच गए। पहली बार इस दबंगों के गांव में कोई दलित इस तरीके से बारात लेकर आया है, और जैसी खुशी का अंदाजा था वैसा ही नजर आया। मैं सर जिला प्रशासन को बधाई देता हूँ और पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की है। और 6 महीने जो संघर्ष कर रहा था, वो जिस कार्य के संघर्ष करना चाहता था कि आज तक दलित दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ा, और आज 21वीं सदी चलने के बावजूद भी दलित दूल्हा के लिए घोड़ी पर कुछ दबंग लोगों द्वारा नहीं चढ़ने दिया गया था। आज जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि जिस तरह से आज 21वीं सदी चल रही है, समाज के लिए ये संदेश देना चाहते हैं कि आप शिक्षित बनो। बाबा साहब कहते थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, संगठित नहीं होगे, संघर्ष नहीं करोगे, जब आप कुछ नहीं कर सकते हो। वाकई शादियां तो बहुत देखी होगी, लेकिन ये शादी अलग है, बिल्कुल ही अलग। जहां सालों साल से कभी कोई बारात नहीं दिखी, आज उस बारात को देखकर हर कोई खुशी से फूल उठा। इस खबर को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और हेडलाइंस इंडिया को पल पल की अपडेट के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।